दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 50 डिग्री पार कर चुका है। इतनी भीषण गर्मी में दिल्ली में पानी का संकट बढ़ चुका है। दिल्ली के कई इलाके हैं जहां पानी की किल्लत हो रही है और इस किल्लत पर अब सियासत भी मंडराने लगी है। दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि हरियाणा दिल्ली के हक का पानी उन्हें नहीं दे रहा, जबकि बीजेपी केजरीवाल सरकार के जल प्रबंधन पर सवाल पूछ रही है। एक ओर तपती गर्मी की मार और दूसरी ओर पीने के पानी के लिए हाहाकार, घंटों टैंकर का इंतजार और पानी के लिए लोगों की लंबी कतार। तस्वीरें जल संकट से जूझ रही दिल्ली की हैं, वो दिल्ली जिसे टैंकरों से आजादी दिलाने के वादे किए गए थे, लेकिन अब प्यास बुझाने के लिए दिल्ली के कई इलाकों के लोगों को सिर्फ इन टैंकरों का ही सहारा है। दिल्ली के दक्षिण दिल्ली के इलाके में इस वक्त हम हैं, कुसुमपुर पहाड़ी पर हैं, जहां पर लोगों को लगातार पानी भरना पड़ता है और काफी ये मेहनत का काम है। काफी गुस्से में लोग दिखाई देते हैं सुबह में, क्योंकि हर जगह 6-7-8 कैनिस्टर जो है, कैन है, लगाकर लाइन यहाँ पर एक टैंकर है और इसके सहारे लोग यहाँ पर पानी भरते हैं। देखने की बात है कि यहाँ पर महिलाएं हैं, उनके घर से लोग आए हैं, हर कोई चाह रहा है कि उनके घर पीने का पानी आए और इसी वजह से यहाँ पर लोग आज भी गर्मी में पानी की किल्लत महसूस कर रहे हैं। दावा है कि दिल्ली में 20% से ज्यादा पानी की सप्लाई घट गई है, जिससे कई इलाकों में पानी का जबरदस्त संकट पैदा हो गया है। दिक्कत इतनी ज्यादा है कि कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई तक रुक गई है। वजीराबाद में पानी का स्तर घट गया है, जिसकी वजह से दिल्ली के प्लांट्स को जरूरत भर पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते 300 मिलियन गैलन पानी की कमी हो गई है। दिल्ली के इस संकट पर जबरदस्त सियासत भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सचिवालय की तरफ जाना चाहती है। तस्वीरें पीछे देखिए आप, तमाम जो दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त वीरेंद्र सचदेवा नजर आ रहे हैं और यहाँ पे भाजपा के तमाम जो उम्मीदवार हैं लोकसभा के, वो भी प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। बासी स्वराज जो यहाँ पर है वो नारेबाजी कर रही है। ये तस्वीरें जहाँ पर इस वक्त जो वीरेंद्र सचदेवा हैं वो तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि जल प्रबंधन में लापरवाही के चलते ये मुसीबत भरी स्थिति आई। दिल्ली सरकार इस हालत की जिम्मेदार है। हरियाणा रोज, मैं एक महीने का डाटा लेकर आया हूँ, रोज 1049 क्यूस पानी रोज दे रहा है। तो ये झूठ मंत्री आतिशी मार लेना झूठ क्यों बोलती है? ये क्यों नहीं बताते कि पानी की 54% बर्बादी आपके रखरखाव की वजह से होती है? आप पानी संभाल नहीं पाते हो। आप पूरे विधायक टैंकर माफिया के साथ मिलकर पानी बेचने का काम करते हैं, दिल्ली को लूटने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल 2019 में घोषणा करते हैं टीवी पे आके कि दिल्ली के हर घर में टूटी लगेगी, पानी आएगा। कहाँ गई वो टूटियां, कहाँ गया वो पानी? दिल्ली आज प्यासी मर रही है, तो एक कारण है अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार, उसकी चोरी, उसकी लूट। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर आरोप है, वहीं दिल्ली सरकार जल संकट का आरोप पड़ोसी राज्यों पर लगा रही है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। इस बीच दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को चिट्ठी लिखकर पानी की समस्या से निपटने की मांग की है। मुख्य कारण हरियाणा से दिल्ली में जो यमुना का पानी छोड़ा जाता है, उसमें हरियाणा का पानी ना छोड़ना इस पानी की समस्या का मुख्य कारण है। पूरी दिल्ली में पानी का जबरदस्त संकट है। कई इलाकों में लोग बूंद बूंद को तरस गए हैं और ऐसी मुसीबत के बीच आरोपों वाले सियासी हमले हो रहे हैं। मिलन शर्मा और राम किंकर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।